महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी, नहीं नहीं, ये पाप है। राजवंश में महापाप होने जा रहे। हे ईश्वर, हे देव, हे माता, कोई तो रोक दो। कोई तो रोक दो ये घोर नर, कोई तो रोक दो। वो सुकुमारी, मैं अभागा, भाग्य का मारा कुश्ती, दृढ़ रोगी। वो सुगंध, मैं दुर्गंध। दोनों का कैसा मेल, न कराओ ये मेल, न कर, न कराओ ये मेल। दुर्गंध में मिलकर सुगंध भी दुर्गंध बन जाएगी। ना करो ऐसा पाप, मत करो ऐसा पाप। हे देव, रक्षा करो सुकुमारी की, रक्षा करो। फिर मिलते हैं। महामंत्री जी, क्या यह सत्य है कि सैनिकों द्वारा पकड़े गए उन परदेशी कुश्तियों के मुखिया से महाराज राजकुमारी मैना सुंदरी का विवाह कर रहे हैं? देखिए, ये महाराज का विचार है और विचार को अभी निर्णय नहीं कहा जा सकता। किंतु हमें तो राजमहल से यही समाचार मिला है कि महाराज निर्णय कर चुके हैं और विवाह के लिए ब्रह्मजनों को भी आदेश भेजा जा चुका है। मैं कह रहा हूँ ना आप लोगों से, क्या अभी विचार चल रहा है और आप प्रजाजन राजवंश के हितेशी है तो धैर्य साधिए और आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि महाराज का ये विचार निर्णय ना बन सके। महामंत्री जी, अगर महाराज ने राजकुमारी का विवाह कुश्ती के साथ किया तो प्रजा उसे सहन नहीं करेगी। आप सबसे मेरा निवेदन है कि धीरज धरे और प्रतीक्षा करें और राजकुमारी के सुखद भविष्य के लिए प्रार्थना करें। आप आश्वासन दे रहे हैं कि राजकुमारी मैना सुंदरी का विवाह कुश्ती के संग नहीं होगा? मैं आप सबकी चिंता महाराज तक अवश्य पहुंचाऊंगा और भरसक प्रयत्न करूंगा कि ऐसा कुछ न हो जिससे आपके हृदय को चोट पहुंचे। नहीं महामंत्री, हमें शांति नहीं मिलेगी जब तक महाराज स्वयं अपने मुख से ये नहीं कहते कि राजकुमारी मैना सुंदरी का विवाह पुष्टि से नहीं होगा। तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, हम नहीं जाएंगे। Thank you.
विवाह का निर्णय वापस ले लीजिए। महामंत्री, हम कह चुके हैं हमारा निर्णय अड़िग है। बारंबार हमसे आग्रह कर हमारे क्रोध को न बढ़ाओ। क्षमा करें महाराज, लेकिन तो आपके निर्णय से बहुत आहत हूं, और मैं ही नहीं समस्त राज परिवार, समस्त प्रजा भी आहत है। सबका एक कथन है, एक और पाप हो रहा है, पाप हो रहा है। वो भी धर्मी कन्या के साथ हमारा निर्णय पाप नहीं पुण्य है। पुण्य ये केवल आपके विचार है, किसी और के नहीं। एक उस पड़ोसी कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति से, जिसका न कुल का पता है न देश का ज्ञान, ऐसे मानव के साथ उच्च कुल संस्कारों से परिपूर्ण राजकुमारी का विवाह हुआ, जो उस मासूम बालिका के साथ अन्याय है, अन्याय है महाराज। इससे तो अच्छा ये है कि मैं स्वयं जाकर उसका गला घोट दूं। महामंत्री, भूल रहे हो वो हमारी पुत्री है। मैंने भी उसे इन हाथों में खिलाया है महाराज। मेरा निवेदन आपको अशांत करता है तो म्यान से निकली हुई ये तलवार वापस न रखिए, चलाइए इसे और गिरा दीजिए धरती पर मेरा नरमुंड। ये लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। समय न गवाइए महाराज, मैं राजकुमारी के जीवन का हृदय विदारक दृश्य नहीं देख सकूंगा। चलाइए अपनी तलवार और स्वतंत्र कर दीजिए सीमाओं में जकड़े हुए इस जीवन से। बहा दीजिए मेरे शरीर की रक्त धारा और निर्जीव कर दीजिए मेरे शरीर को। मुझे मृत्यु दे दीजिए। मृत्यु को प्राप्त कर गोद में खिलाई बालिका के जीवन का भयानक व विपत्त रूप देख तो रह सकूंगा। चले जाओ महामंत्री, हमें एकांत चाहिए, जाओ। प्रजाजन आपसे भेंट करना चाहते हैं। महाराज, आप प्रजापालक नृपति है, आप ऐसा हृदय द्रावक कार्य कैसे कर सकते हैं? कह दीजिए महाराज, ये समाचार झूठा है। जिसने भी ऐसा प्रचार किया है उसे खोज के आपके चरणों में डाल देंगे महाराज। हाँ महाराज, हम ये कैसे भूल सकते हैं कि हमारे महाराज पाहुपाल का हृदय। पुरोहित, आप कुछ करते क्यों नहीं? अरे राज पुरोहित ना, ब्रह्म शास्त्र आपके रक्त धमनियों में समाया हुआ है, क्यों नहीं बताते महाराज? समस्त शास्त्र निष्फल हो गए महाराज, किसी की विनती कोई ज्ञान सुनना ही नहीं चाहते। अब मैं क्या करूं, कहां से अर्चित करूं विवाह कराने की शक्ति? आज तक शुभ कार्य समझता था ब्रह्मगिरी को, किंतु आज के बाद स्वयं से घृणा होगी मुझे। पापी कहूंगा मैं स्वयं, क्योंकि भयवश इनकार करने का साहस भी नहीं है मुझ में। जो राजा अपनी पुत्री के लिए क्रूर हो सकता है, उसके लिए मुझ जैसे ब्राह्मण के जीवन का क्या मूल्य? किंतु आपसे प्रार्थना है, प्रार्थना है आपसे, आप रोकिए महाराज, रोकिए।
बहना सुंदरी, जय जिनेन्द्र पिताजी। हम कैसे लगते हैं वधू के इन वस्त्रों में? सुंदर लगते हैं ना, एकदम आपकी बाल्यकाल वाली नयनतारा की तरह। आज आप हमारा कन्यावरण कर देंगे, हम पराये देश चले जाएंगे। आपका स्मरण हमें बहुत कष्ट देगा पिताजी, किंतु हम दूर होकर भी छिनेन्द्र देव से आपकी शुभ की कामना करना नहीं भूलेंगे। आप दुखी हैं ना कि हमारे लिए एक कुश्ती को वर रूप में चुना है आपने? किंतु आप तनिक भी चिंता ना करें, कोई समझे या ना समझे, आपकी मैना सुंदरी समझती है कि पिता अपनी पुत्री के जीवन को मृत्यु के हाथों में नहीं सौंप सकता। प्रत्येक पिता अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी पुत्री का कन्यादान उसके शुभ भविष्य की कामना और आशीष के साथ ही करता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे पिताजी हमारे लिए जो भी करेंगे वही हमारे भविष्य के लिए शुभ होगा। मैना सुंदरी, बाहुपाल, पुत्री मोह में अपना राजधर्म त्याग करने का पाप न कर। विधर्मी वचन कहने वाली पुत्री के लिए तेरा निर्णय अटल है और सत्य है। हमने बड़े लाड़ दुलार से पाला था तुझे, बड़े बड़े सुखद सपने संजोए थे, तूने उनका लहू बहा दिया। अरे ओ निष्ठुर कन्या, हम निसंदेह तेरे प्रेम में कण कण होकर बिखर जाने वाले पिता हैं, किंतु धरती के सामाजिक बंधनों में जकड़े दुर्बल मानव भी हैं। मत कर हमारे हृदय पर आघात। अब भी समय तेरे हाथ में है पुत्री। कह दे भाग्य पिता बनाता है, कह दे।